अच्छा लगता है क्योंकि कैरेक्टर और किरदार ही ऐसा लिखा है, और जब एक किरदार एक राइटर लिखता है और वो दर्शकों तक पहुंचता है और वैसे ही वे में कन्वे होता है तो अच्छा लगता है। इसका मतलब कि शायद जो एक्टर है वो कन्विक्शन के साथ थोड़ा बहुत कर पा रहा है या मैसेज डिलीवर कर पा रहे हैं, तो इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, एक्टर के अलावा जो पूरी टीम है डायरेक्टर राइटर सबका हाथ होता है, तो अच्छा ही लगता है क्योंकि यही हम दिखाना चाह रहे हैं, वही इंटेंशन है, तो अच्छा लगता है। श्रवणी के साथ बंटी का इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा टाइट है, बचपन से ही दोनों बहुत बहुत करीबी रिलेशन रहा है उनका, इसीलिए वो उसको लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव भी होता है जैसे मैंने पहले भी कहा है, और इसी की वजह से उसको गुस्सा बहुत आता है, उसका ट्रिगर पॉइंट है। वैसे पहले ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, अभी संभल गया, लेकिन जब श्रवणी को लेकर कोई बात होती है तो गुस्सा अभी भी है उसमें, तो हर जगह वो होता है कि बहन है मेरी, साथ जाना है, भाई हूँ मैं, तो पागल खाने लेके जाता है उसको, देखता है कि कुछ सब कुछ ठीक है नहीं है, वहाँ पर पूरा माहौल क्रिएट होता है, तो आप संभालता है और फिर हर जगह साथ मेक श्योर करता है कि इसको कुछ परेशानी ना हो, उसका भाई पहले खड़ा है उसके लिए। आज का सीन ये था कि हमारे जो शिवांश जी है वो गुस्सा हो गया बंटी में, क्योंकि हमने उनकी बहन को किडनैप कर लिया था और उनको पता चल गया, जैसे कि हमारी बहन के साथ इन्होंने ज़ोरों ज़बरदस्ती की, वैसे हमने ही थोड़ी बदमाशी दिखाई, थोड़ी गुंडाई बंटी ने भी दिखाई, और थोड़ी हदें शायद पार हो गई, तो शिवांश बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बाकी आप देखेंगे क्या होता है। फैंस के लिए मैं बोलूँगा कि कीप वॉचिंग श्रवणी, और हमें बहुत खूब सारा प्यार आप दे रहे हैं और प्यार देते रहिए, आपके वजह से ही हम और मेहनत करते हैं, और मुझे और सारे किरदारों और कैरेक्टर को पसंद करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया तहे दिल से, थैंक यू सो मच। हाय माय नेम इज़ विदान सलूजा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर, थैंक यू।